तो हमारे द्वार पर जितने भी मट्टी का पानी बाहर छिटने से, परिंदे का पानी बाहर छिटने से, तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छिटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं उस जल से उनकी प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश, आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर, समय देवऋषि नारद ने प्रश्न किया था कि तुम कहां पर पोषित हुई हो, तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? तो कहां, मैं गुजरात से तो चली हूं, और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छींट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पढ़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्त्रोत और वेदों की ध्वनि होने लगी, वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले जो भगत हैं, वारकरी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो धर्म के भक्त होते हैं, उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा ना थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं, और छींटने के बाद फिर वहां पर अपने यहां तो दिवाली पर रंगोली बनती है जी, और वहां पर रोज की रंगोली बन जाती है कि कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल कर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली, प्रतिदिन। हमें सीखना चाहिए थोड़ा सेवा का भाव हमारे भीतर। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है महाराज, बहू और बेटी। श्री शिवाय नमस्तु भीम। दर्शकों, आप लोगों को और भी उपाय जानने हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई उपाय डालेंगे आप तक वह उपाय की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। आप और भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आपके काम आ सकते हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक, फैमिली तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी उपाय वे लोग देख सके। मिलते